बच्चों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर के बेसिस पे हैं, तो ये नीट लेवल पे तो नहीं आते हैं, तो सिर्फ जेई लेवल के जो बच्चे हैं सिर्फ वही इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी जो सिर्फ बोर्ड्स की या नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन्स, वेयर वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्नियर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि वर्नियर आपका कौन से टाइप का है। ट्राई करें क्या? देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन कितने हैं, 20 हैं, है ना। तो 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। अगर मैं 20 को लिखूं n, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन है क्या बच्चों? तो ये तो आपका हो गया रेगुलर डायरेक्ट वर्नियर हो गया, करेक्ट। दिस इज अ डायरेक्ट वर्नियर, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां पे पूछा है व्हेन फुली क्लोज्ड द जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर एंड नाइन्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स ऑन मेन स्केल, कैलकुलेट जीरो एरर। ओके, बहुत आसान है यार, ठीक है। तो यहां क्या बोला है हमें, जीरो एरर जब कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो जीरो एरर की कैलकुलेशन हमें क्या चाहिए, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR। तो पहले तो हमें MSR पता करना है कितना होगा। तो यहां आप देखो क्या बोला है, जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर। तो जरा आप यहां पे डायग्राम बनाओ, मान लो ये आपकी मेन स्केल है ना, करेक्ट, और ये है आपकी वर्नियर स्केल, राइट। तो जरा देखो क्या बोला है, ये आपका इधर पे है मेन स्केल का जीरो, मार्क कर देता हूं, ये आपका है मेन स्केल का जीरो और ये आपका है वर्नियर स्केल का जीरो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर। तो जीरो ऑफ मेन स्केल इज टू द राइट ऑफ वर्नियर जीरो है क्या इस डायग्राम के हिसाब से? तो मतलब यहां पे आपका वर्नियर ज्यादा लेफ्ट में चले गया है, तो दैट मींस यहां पे आपका जीरो एरर होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव जीरो एरर के केस में बच्चों हम क्या करते हैं, हम MSR को लेते हैं माइनस वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर, और वन मेन स्केल डिवीजन आपका गिवन है 1 मिलीमीटर, मैं लिखूंगा माइनस 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट आपका कितना है बच्चों? तो लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हो, देखो डायरेक्ट वर्नियर के केस में हम लीस्ट काउंट लिख सकते हैं इजीली 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन आपका 1 मिलीमीटर है और n तुम्हारा 20 है, तो 1/20 लिखेंगे, 1/20 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है आपकी, तो नाइन्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इनटू कर दो 9। सॉल्व करो इसको, तो आपका आ जाएगा माइनस 1 मिलीमीटर प्लस 0.9/2 यानी कि 0.45 मिलीमीटर। तो आपकी जीरो एरर जो बनेगी यहाँ पे माइनस 0.55 मिलीमीटर बन जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ना वर्नियर कैलिपर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 21 मेन स्केल डिवीजन वेयर वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्नियर एंड कैलकुलेट लीस्ट काउंट। बहुत आसान है, अगेन हमारा 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 21 मेन स्केल डिवीजन, तो मैं लिखूं क्या, NVSD इज इक्वल टू N+1 MSD, है ना। तो NVSD इक्वल टू N+1 MSD कब होता है बच्चों? ये आपका हो जाता है रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर के केस में। तो हमारा टाइप कौन सा है यहाँ पे, रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब इन्होंने पूछा है लीस्ट काउंट निकालो, तो लीस्ट काउंट तो बहुत आसान है ना, रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर में भी आपका लीस्ट काउंट डायरेक्टली निकल आता है, कितना होता है, वो होता है 1/n मेन स्केल डिवीजन। तो आपका n रखेंगे 20, मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर, तो ये आपका हो गया बच्चों 0.05 मिलीमीटर आंसर। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ये पक्का बाकी दोनों से अलग है, ट्राई करो, है ना। इन अ वर्नियर कैलिपर 8 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 15 मेन स्केल डिविजन्स वेयर वन मेन स्केल डिविजन इज 1 मिलीमीटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्नियर। ओके, पहले ये करके देखते हैं, आप पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार क्या आता है, चलो कंटिन्यू। तो 8 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 15 मेन स्केल डिविजन। तो अगर मैं यहां पे 8 की जगह लिखूं NVSD, तो 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 2N-1 MSD लिख सकता हूं क्या, है ना, राइट।
तो ऐसा कब होता है बच्चों, ऐसा होता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर के केस में। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप, कौन सा? एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि व्हेन फुली क्लोज्ड, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। बताओ पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव? जीरो ऑफ वर्नियर इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। देखो अगर मैं यहां पे ये आपका मेन स्केल लेता हूं, ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो इधर पे है, राइट। अब वर्नियर का जीरो यहां पे होगा क्या? क्यों? जीरो ऑफ वर्नियर यानी कि ये इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल के जीरो के राइट में वर्नियर का जीरो है, तो यस वी हैव अ पॉजिटिव जीरो एरर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितना हमारा जीरो एरर बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है कि हाँ आपका कैलकुलेटिंग जेड, तो मैं लिख दूं यहां पे एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर, है ना। तो पॉजिटिव जीरो एरर के केस में मैं एमएसआर कितना ले लूंगा? जीरो ले लूंगा। लीस्ट काउंट कितना है आपका? लीस्ट काउंट है आपका अगेन 1/n मेन स्केल डिवीजन लगा दो, लीस्ट काउंट आपका होगा 1/n एमएसडी, तो n आपका है 8 और एमएसडी कितना है बच्चों? एमएसडी आपका है 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो मैं यहां पे वो मेंशन कर देता हूं 1/8 मिलीमीटर। और वीएसआर कितना है? वीएसआर आपका यहां पे गिवन है फोर्थ वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो लिखता हूं इनटू 4, तो बन जाएगा आपका 4/8 मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर। ये आपका हो गया बच्चों जीरो एरर इन केस ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर।